किसी भी व्यक्ति के नोबल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की स्थिति में उसका समुचित इलाज सुनिश्चित करने को लेकर बुधवार को जिला प्रशासन ने मॉकड्रिल की। टीम ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की उपस्थिति मानते हुए उसे उसके घर से सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने और उसकी समुचित इलाज की संपूर्ण प्रक्रियाओं का मॉकड्रिल किया और इस पूरी टीम में 20 लोग मौजूद थे। पुलिस टीम द्वारा 10 जगहों पर रोड डायवर्ट किया गया। पुलिस टीम द्वारा वार्ड के दुकानों को बंद कराया गया। नगर पालिका के द्वारा 4 सफाई टीम बनाई गई थी। और प्रॉपरली चूंकि ये पूरे दिन का था तो इसमें 2 शिफ्ट में ड्यूटी डिटेलिंग की थी और एक फ्लैग मार्च का शुरुआती दौर पे रखा गया था ताकि सबको सेंसिटाइज किया जा सके और ड्रोन के माध्यम से भी इसमें निगरानी की गई। इसमें क्या अभी हम जो है सिर्फ बालोद शहर को लिया है, हमारे जितने नगरीय निकाय हैं, हमारे पास 8 नगरीय निकाय हैं, हर निकायों में इस तरह से हम बीच बीच में मॉक ड्रिल करेंगे। इसके अलावा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में भी बीच में हम मॉक ड्रिल करेंगे ताकि गाँव के लोग या बाकी भी जो लोग हैं वो सतर्क रहें। रतलाम जिला प्रशासन